आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए। और साथ ठीकरी नगर में शनिवार को रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। नगर में 18 दिनों से स्वर्गीय देवी सिंह पटेल, पूर्व विधायक स्वर्गीय सदाशिव पाटीदार, स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण गुप्ता, स्वर्गीय कैलाश खंडेलवाल की स्मृति में आयोजन किया गया। आयोजन 11 फरवरी से किया गया था, जिसमें इंदौर संभाग की टीमों ने हिस्सा लिया। सभी टीमों ने खेल एवं जीत के उद्देश्य प्रदर्शन किया। जिम एक जीत को दूसरे हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में भगवानपुरा की बेहद इंडियन आर्मी गांधी चौक ठीकरी से हुई, जिसमें भगवानपुरा की टीम फाइनल में पहुंची। वहीं निमरानी टीम का भी मुकाबला ठीकरी की विनर से हुआ, जो काफ़ी रोमांचक रहा। आखिरी ओवर में एक ही गेंद पर एक रन चाहिए थे, जिसमें निमरानी ने खेल के नियमों से खेलते हुए आखिरी गेंद पर विकेट झटका जिसका साथ फाइनल में पहुंची। फाइनल में खेले गए मैच में निमरानी की टीम ने उम्दा प्रदर्शन कर विजय हासिल की। रात्रिकालीन मैच होने के कारण सुबह 4 बजे तक फाइनल मैच का समाप्त हुआ। मैच के दौरान उम्दा प्रदर्शन करने के दौरान खिलाड़ियों को पुरस्कार की झड़ी लगा दी। प्रथम पुरस्कार के रूप में निमरानी को ट्रॉफी एवं 51,000 रुपये नकद इनाम दिए। दूसरे नंबर पर भगवानपुरा की टीम को 25,000 की राशि और शील्ड प्रदान की। खेले गए सेमीफाइनल फाइनल मैच को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। पुरस्कार वितरण के दौरान अंतर पटेल, शरद महाजन, सुखदेव यादव, वंदना राठौड़, कैलाश जायसवाल, सुमित जायसवाल, प्रशांत महाजन सहित भाजपा प्रतिनिधि मौजूद थे। ठीकरी से सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट।